अजमेर सीमा से लगे राजपुरा पंचायत के डावरिया पाल्या में सड़क निर्माण की मांग अब आंदोलन का रूप लेने लगे है। शुक्रवार को यहां के रहवासियों ने कीचड़ से सराबोर सड़क के बीच एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है। रहवासियों ने बताया कि यह घनी बस्ती होने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और इस गांव को विधायक ने गोद ले रखा है लेकिन आज तक सुध नहीं ली है। कच्ची और जर्जर सड़क से आवाजाही को मजबूर है। स्कूली बच्चों की ड्रेस इस रास्ते से गुजरने के कारण रोजाना खराब हो जाती है। रहवासियों ने चेतावनी दी है यदि सड़क निर्माण नहीं होता है तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जनप्रतिनिधियों को भी गांव में नहीं आने देंगे। प्रदर्शन के दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और जाने वाली सड़क पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या कि पंचायत को भी बोला हमने और विधायक पास भी जा चुके हैं, सरपंच पास जा चुके हैं, हमारा रोड की कोई सुनवाई नहीं। अभी पढ़ने वाले बच्चे आने जाने वाले गिर रहे हैं गाड़ी लेके, यहाँ बहुत ज्यादा समस्या। हमारी कोई सुनवाई सरपंच भी नहीं कर रहा है, ना सचिव कर रहा है, ना विधायक साहब के पास भी दो तीन चक्कर हुआ है, वो भी नहीं कर रहा है। तो फिर वोट लेने आते तो बोले डाबरिया मेरे गोद में लिया, बोलता रोहित जोशी जी, और बोले कि तुम पानी चढ़ाते हुए तुम्हारे दिन उनते मैं गोद पुत्र लिया हूँ डाबरिया को। तो आज तक वापसी चुनाव जीतने के बाद वापसी आके झाके भी नहीं और कोई मुरुम भी नहीं डजे हमारे रास्ते में। हम जाए तो किसके पास जाए? एक दिन कलेक्टर महोदय के पास भी गए, बोले हाँ बातचीत करते हैं, करके बताया उन्होंने, सभी गांव वाले गए, अभी भी निकलने की बहुत समस्या यहाँ पर और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हमारा रोड पे मुरुम कुछ भी डाले। मनीष यादव जी, पैसे परेशान हो रहे, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं कीचड़ में फिसल जाते हैं और गिर भी जाते हैं, वो आधे स्कूल जाते हैं ना आधे रास्ते में से वापस आते हैं और सुनवाई नहीं कर रहे नेताओं ने। कब से परेशानी हो रही है? ये 5 साल से परेशानी हो रही है हमको। इसको लेकर आप लोगों ने किसी नेता कोई अधिकारी बोला था? बहुत बार शिकायत करी और पर सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो अगली बार क्या कदम रहेगा आपका, क्या करोगे? अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो चुनाव में वोटिंग देंगे। क्या नाम है आपका? उषा डावर। हमको डेली आने जाने में दिक्कत होती है, सड़क भी नहीं बनी हुई है जिससे हमारी गाड़ी बहुत बार स्लिप भी हो जाती है, हम गिर भी चुके हैं। तो मेरी यही निवेदन है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाए। काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध इकट्ठा हो गई है क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और सभी परेशान हो रही है ना आम जनता। परेशानी उठा रहे हैं चुके हैं सर, हम यहाँ से 2 साल से आए हैं, 2 साल से यही परेशानी झेलते हैं। कहाँ जाते हो आप? मैं डेली कोचिंग जाती हूँ। हमारी मांग है कि यहाँ पर सड़क बनाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा पति ओम प्रकाश राठौर। शहर के व्यापारिक क्षेत्र जवाहर मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों के ताले चटका कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी के दौरान गश्त कर रहे पुलिसकर्मी की नजर पड़ने से चोरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। शुक्रवार सुबह थोक व्यापारी ने चोरी की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और जवाहर मार्ग पर नवनीत महाजन और स्वदेश ट्रेडर्स पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया है। दुकान संचालक नवनीत महाजन ने बताया है कि करीबन 2 बजे पुलिसकर्मियों ने मोबाइल और फोन लगाकर दुकान में चोरी की सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें चोरी करते देख ललकारा, जिसके बाद वह चोर आयुष अस्पताल की दीवार फांद कर भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया, चोर साथ ले गए चिल्लर की थैली, काजू के पैकेट और बिस्किट की पेटी फेंक कर भाग गए, जबकि गले में रखी करीबन 4,000 रुपए की नकदी साथ ले गए हैं। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कुछ और आए तो पुलिस रस्ते कारण ये माल बच गया तो लेके जाए, आए दिन यहाँ बार बार चोरियां हो रही है, इनकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाना चाहिए, मतलब बराबर चेकिंग करना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे रविवार के दिन इनके पिता श्री के हमारे यही हिसाब लगते हैं, इनकी चेन गायब हुई उसका भी अभी तक कोई सुराग लगाने सुराग लगना चाहिए, मतलब वास्तव में ये बार बार चोरियां हो रही है अच्छी बात नहीं है, मतलब सब यहाँ पर थोड़ा रोष है, मतलब इनको तत्काल पकड़ने की कोशिश करें। मतलब व्यापारिक क्षेत्र है और आए दिन बार बार घटना हो रही है, मतलब तो ये हमारे व्यापारियों के लिए थोड़ा डर वाला भय हो गया कि यार कैसे निश्चिंत सोए, मतलब रात में चेन किन कैसे गल्ला खोलना या खोलना सामान उठा के ले जाना, मतलब क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं इनको जो भी इनको तत्काल पकड़ा जाए और गश्त बढ़ाई जाए, मतलब व्यापारों का डर भय दूर करा जाए, मतलब प्रशासन यही चाहते हैं, मतलब आए दिन जो घटना हो रही है, मतलब नौनीलाल भंडारी।